अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानियों, एक नए सच एक नई उम्मीद के साथ आपका भाई दोबारा हाजिर है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल है। सिंध के हम एक गांव में आए हैं जिसका नाम मशहूर है आजकल पटला। पटला जो गांव है यहां पे एक पुरसरार पानी है जिसके लिए शफा हासिल करने लोग दूर दूर से आते हैं। वहाँ पे तैरते भी हैं, पानी पीते भी हैं, नहाते भी हैं। तो हम बड़े परेशान हुए, हमने कहा हम ज़रूर जाके इस जगह का विज़िट करते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे शिफा मिलती है कि नहीं। आज वो आपको ले चलते हैं उस नहर की तरफ। तो ये है वो नहर, जहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं और अपनी बीमारियों का खात्मा करते हैं। ये देखें, मुझे तो ये कोक का पानी लग रहा है। मुझे लगता है ये कोक यहाँ पे भरी जाती है, यहाँ पे ये सारा फैक्ट्रियाँ फूटरियाँ आती हैं। तो अभी इसके बारे में इसका पर्दा हम नहीं उठाएंगे, हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि वाकई यहाँ पे लोग आते हैं शिफा के नाम पे अपनी मतलब बीमारियाँ ख़त्म करने यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, हम यहाँ के लोकल बंदों से ज़रूर, ये भी भाई एक जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है, वीडियो हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी। तो इस पानी के बारे में हमने बड़ा सुना है। चले आई अगली वीडियो में हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से क्या ये सच भी है कि बस एक सुनी सुनाई बात हम लेके यहाँ पे सुन के आ गए। इस बात का हम पर्दा ज़रूर उठाएंगे। यहाँ पे हम लोकल लोगों से मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, उनका ये कहना है इस बारे में ज़रूर पूछते हैं। बाकी ये पानी तो हमें लाइक गंद से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लग रहा, ये सारा गंदा पानी लग रहा है। यहाँ तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इसकी मुझे कितनी तेज़ है कि मेरा नाक सड़ गया है। तो मज़ीद जानते हैं बाकी के लोगों से, ये थोड़े से और लोग जा रहे हैं। जनाब भाईजान हमारी बात सुनिएगा। भाई हम बड़ी दूर से आए हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट करना था, हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, क्या आप उनका जवाब हमें दे सकेंगे? अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और तारुफ करवा दें थोड़ा सा। मेरा नाम अनीस है। थोड़ा ऊंची बोल लेना आप, क्या डरे हुए लग रहे हैं। अनीस है। अच्छा। और मैं इधर सिंध के इलाके का रहने वाला हूँ, गाँव है बटला। अच्छा अनीस साहब, हमने बहुत सुना है यहाँ के बारे में कि लोग इस पानी में आते हैं, यहाँ पे शिफा हासिल करने आते हैं बड़ी बड़ी दूर से, क्या इस चीज़ की हकीकत? हमसे तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी इसकी स्मेल है यहाँ पे, तो हमसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, लेकिन इसकी क्या हकीकत है? आप यहीं के रहने वाले हैं? यार मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इधर पास मेरा गाँव है। कितना पास? वो वहाँ पे। अच्छा ठीक, तो मैं इधर का रहने वाला हूँ। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सही है, यहाँ लोग बिल्कुल आते हैं यहाँ शफा के लिए। ठीक है, और नहाते भी हैं इस पानी इसमें में। नहाते भी हैं? जी बिल्कुल, इस पानी में नहाते भी हैं। ठीक, अच्छा। है, और जो भी है उनका जो भी मानना है कि वो सब कुछ करके जाते हैं। अच्छा, तो वाकई उनको शिफा मिलती है यहाँ पे? जी बिल्कुल। मैंने सुना है कि यहाँ पे तो अपना छुट्टी वाले दिन रश खत्म ही नहीं होता, पूरी नहर वहाँ से लेके यहाँ तक भरी होती है लोगों से, और लोग धक्के मार रहे होते हैं एक दूसरे को कि मुझे मेरा नंबर है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, इस तरह वाकई होता है? यार ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आते हैं लोग यहाँ अक्सर, यही एरिया ये रोड ज्यादा यूज होता है। ये वाला रोड? ये वाला। ठीक है, हाथ में लगा देना। ठीक है, तो यहाँ ये वाला सीधा वो वहाँ से आ जाए, कोई आ जाए, वरना यहाँ ये सारा ना ब्लॉक होता है सिस्टम। तो बोतलों में भी भर के लेके जाते हैं ये पानी अपने साथ? बिल्कुल, बोतलों में भर के लेके जाते हैं। अच्छा, तो नहाते लेडीज भी होती हैं इसमें? लेडीज, बंदे, बूढ़े, बच्चे सब भी आते हैं, जो जिसको मसला हो ना। अच्छा, वो इधर आते हैं। किस किस्म के मसले लेके आते हैं ये? वैसे बुखार का हल, मतलब बवासीर हो, किस चीज के? तो अभी मैं आपको कुछ नहीं इस मसले में बता सकता, जो भी है ना ज्यादा जिसको खारिश हो वगैरह वगैरह इस तरह। वो देखें, एक कोई चीज भी तैरती आ रही है पानी के अंदर? नहीं, ये तो चीज तो नहीं है, ये वैसे ही कोई। अच्छा, सही हो गया, मुझे लगा शायद बंदा तैरता आ रहा है, शायद वो इस तरह ही उसका सारी इस तरह लगा जिसमें बंदा। आज नहीं आएंगे ना, छुट्टी वाले दिन ज्यादा बहुत नहीं आते। अच्छा, आज काम पे मसरूफ होंगे, आज नहीं आए। सही हो गया। तो इसकी कोई टिकट भी है? लाइक बंदे आते हैं, कोई टिकट भी देते हैं कि नहीं? मुझे जो यहाँ पे पार्किंग की जगह भी नहीं मिली, तो यहाँ पे पार्किंग का भी रश होता होगा? पार्किंग वो इधर उधर ही स्टाफ पे खड़ी करके उधर से पैदल आते हैं। अच्छा, स्टाफ वो पिछले? ठीक, हो गया। उधर से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, वहाँ से पैदल आते हैं इधर जो भी आते हैं। सही हो गया आपका। अनीस अहमद साहब बहुत शुक्रिया, और मजीद आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आपको पहले ही पता है, जो आपने मुझे पूछा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपका मुंह प्यारा तो नहीं है खैर, लेकिन आपने बातें बहुत अच्छी की हैं। अच्छा, आपका बहुत बात तो आपने गलत की है यार।
नहीं नहीं, आपका मुंह भी बहुत प्यारा है, आपका दिल भी बहुत प्यारा है, आपकी बातें भी बहुत प्यारी हैं। सबसे प्यारी चीज आपने हमें टाइम दिया है यहाँ पे आके। यार देख लो, इतना कीमती टाइम था, मैं जा रहा था। ओहो भाई, अभी साइकिल लेके मेरा चला गया। अच्छा, अभी मुझे पैदल जाना पड़ेगा, तो आपने कह दिया यार। आपको हम अभी खुद छोड़ के आते हैं, वो खोती आ रही है, आप बिल्कुल बेशक उस पर बैठ जाओ, पीछे आ रही है। ठीक है यार, ठीक है नीस अहमद साहब, आपका बड़ी मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी बड़ी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगली वीडियो में आप कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब इन्होंने सही कहा, वैसे पहले बंदे हैं। शुक्रिया आपका।